हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार एंड आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मालूम नहीं मेरा पर्सनल नंबर आप लोग के पास कैसे पहुंच गया यहाँ पे, मतलब पर्सनल क्या ऑफिस का नंबर। हाल ही का आप लोग के जो वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट करते हैं वो सोनू सर करते हैं यहाँ पे। हाल ही का गाइस इनका अलग एक नंबर होता है जो कि इनका खुद का नंबर होता है, जो भी डिटेल होता है यहाँ से आप जानकारी ले सकते थे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जब पशुपालन विभाग में जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, या मैंने बताया था कि बिहार में काफ़ी सारा आउटसोर्सिंग वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। अब आउटसोर्सिंग वैकेंसी के मतलब पहले आप समझ लीजिए, फिर फॉर्म फिल करिएगा, फिर आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट दो वीडियो अपलोड हो चुकी है यहाँ पे, आगे भी पशुपालन से रिलेटेड कुछ अपडेट होगा या किस स्टूडेंट से कितना कितना पैसा लिया जा रहा है वो हम चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे। तो प्लीज आप लोग वहां पे वोट दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप लोग के बीच एक और वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज बता पाए कि किस स्टूडेंट से कितना कितना ऐसा डिमांड किया जा रहा है, किस पोस्ट के लिए। यहाँ पे हर वो चीज हम आप लोग के बीच पारदर्शी रखने की कोशिश करें, अगर हम आप लोग के बीच आए तो। हालांकि हम तो नहीं आ पाते हैं, सोनू सर आते हैं यहाँ पे। लेकिन हम आपको एक चीज जरूर बोलने वाले, ये जो वैकेंसी आई है अपने पास, ये पारा वेटनरी का आई है, इनके अलावा ड्राइवर का आई है, यहाँ पे सारे के सारे पशुपालन विभाग में है, इनके अलावा डॉक्टर की वैकेंसी आई है यहाँ पे। अब देखिए होता है क्या, हम ड्राइवर को नहीं बोलते, एक 12th पास करके जो वैकेंसी आई है ना, वहां पे ये जो स्टूडेंट है रात को 10 से हो 11 12 बजे तक हमें कॉल करते हैं यहाँ पे। अब देखिए होता है क्या, ये 12th पास किए होते हैं, बायोलॉजी से होते हैं या कोई भी अलग सब्जेक्ट से होते हैं, इनको किसी तरह कोई कनेक्ट मिल जाता है। जैसे कि हम लोग के पास भी काफी सारा कंसल्टेंटी कनेक्ट होते हैं जो कि हमें अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो आप में से ही बहुत सारे जब हमें बोलते हैं कि सर हमें किसी से कहीं बात करवा दीजिए, तो हम आप लोग के बीच नंबर फॉरवर्ड करते बात कर लीजिए। इसी तरह मैं ये चीज दिखा रहा हूँ कि 12th पास के बाद ये जो पशुपालन जो वैकेंसी आती है ना, तो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 12th पास करने के बाद इतना ज्यादा, तो जैसे 18 साल उनका हो गया तो एक्साइटमेंट होता है यार जॉब लग जाएगा जॉब लग जाएगा। देखिए आउटसोर्सिंग मतलब होता है एक प्राइवेट जॉब, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो कि सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट के साथ, जो भी जॉब करने वाले हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन वो चीज नहीं है, सरकार ने क्या किया, ये मान लीजिए सरकार है, सरकार ने किसी कंपनी को हायर किया और इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, ठीक है तो हमें ड्राइवर 500 से ज्यादा हमको तुम ड्राइवर दे दो, ताकि जितना भी पशुपालन से रिलेटेड काम होगा वो ड्राइवर संभालेगा, इसके बाद दे दो पारा जो वेटनरी है 500 कुछ हमें दे दो, इनको जिम्मेदारी दे दिया। कल के डेट में अगर कुछ भी होगा तो आप सरकार पे क्लेम नहीं कर सकते थे, जैसे ही करते थे वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सरकार चाहता तो उन्हें परमानेंट भी निकाल सकता था, लेकिन ये इनका मालूम नहीं नीति या पॉलिसी है नहीं निकालने का, पीछे कई सारे इनका रीजन होगा। खैर हम इनके बारे में नहीं बोलने वाले, लेकिन हम यहाँ पे ये बोलने वाले कि सरकार चाहे तो इस आदमी को खुद भी, जो भी 500 कुछ आदमी या लगभग 1500 या 1100 जो भी पोस्ट है उन्हें चाहे तो खुद भी नियुक्त भी कर सकता था, लेकिन सरकार बोला नहीं हम नियुक्त नहीं करेंगे, किसी कंपनी को देंगे टेंडर। जब ही किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है, मैं आज से नहीं काफी समय से मैं जॉब अपडेट वगैरह करता हूँ, काफी सारे मेरे पास कंप्लेन भी आते हैं, काफी सारे बच्चे जब परेशान भी होते हैं। होता है कि यहाँ करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है, जो रियलिटी फैक्ट बात है, मैं ये चीज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम अभी तक, मैं इतना सारा दिन से जॉब अपडेट तो सोनू जी करते, लेकिन मैं काफी सारे जब कनेक्ट करता हूँ बातचीत करता हूँ तो ये चीज मुझे जरूर मालूम होता है कि हाँ आपसे पैसा जरूर लिया गया है, बिना पैसा की जॉब नहीं दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं सरकारी जॉब भरने के लिए पहले 100 रुपए या 500 रुपए देना पड़ता था, लेकिन इस टाइप की जॉब करने के लिए इंटरव्यू पास करने के लिए आपको लाखों रुपीस अदा करना पड़ता है, और फिर आपको लगता है और पता ये भी चलता है कुछ टाइम के बाद कि हो सकता है कि क्योंकि ये 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाद में नीति और पॉलिसी भी चेंज हो जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले या अप्लाई करने से पहले, पैसा फंसाने से पहले, हर वो कुछ सोच समझ के करेंगे यहाँ पे। और जो 12th पास किए हैं उनका लाइफ अभी आगे बहुत ही कुछ है फ्यूचर, ये नहीं कि हाँ एक्साइटमेंट होते हैं और सोचते कि चलो यार लग जाएगा टेंशन फ्री हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा फीलिंग नहीं लाएंगे अपने अंदर, हर चीज सोच समझ के करेंगे। हम ये नहीं बोले कि ये वैकेंसी बेकार है, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, हम इनका ये भी नहीं कर रहे आलोचना भी नहीं कर रहे, लेकिन जो भी चीज करेंगे अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग आप पैसा देंगे या जो भी कुछ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे पास काफी सारा ये भी चीज मैसेज आता है कि बच्चे का
काफी कंप्लेन भी आते हैं, बहुत का पैसा भी फंसा है यहाँ पे, तो ये सब कुछ मेरे पास आता रहता है, लेकिन हर चीज तो आप लोग के बीच बता नहीं पाते क्योंकि हमें पढ़ाना होता है। हम कभी कभी आप लोग के बीच आ पाते हैं यहाँ पे, तो जो भी चीज करेंगे सोच समझ के करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, और छोटे जो 12th पास किए स्टूडेंट है वो थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि और सब तो मेच्योर होंगे, डॉक्टर वगैरह तो चलो सही एक डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई ठीक है कर लेते, क्योंकि हमें इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो कोई बात नहीं। ड्राइवर है चलो कोई बात नहीं, वो लोग थोड़ा इतना नहीं है यहाँ चलो कर, लेकिन आप जो 12th पास किए होते हैं उनके पास ऑप्शन बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन इस ऑप्शन को गलत इस्तेमाल ना करते हुए सही जगह इस्तेमाल करें। सो एक कुछ मुझे मैसेज देना था, बाकी आप लोग का क्या कमेंट है राय है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हाँ अगर आपसे भी पैसा का डिमांड किया गया तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला हूं, उस पोल पे क्लिक करके आप मुझे बता दीजिएगा कि आपसे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 4 लाख क्या डिमांड किया गया, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसी तरह काफी सारा वैकेंसी जिससे आपके पास पहुंच पाता है, इसी तरह मेरे पास भी काफी सारा वैकेंसी पहुंच पाता है जो कि हम आप लोग के बीच बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिए रात को कम से कम अगर हम बात करें मतलब लगभग 12 बज रहा है और मैं आप लोग के लिए कर रहा था वीडियो शूट, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आ गया था मेरे पास, सर क्या करे सही है कि नहीं, बहुत कुछ जानने की, ऑलमोस्ट 2 वीडियो जिसमें फॉर्म वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया गया। थैंक यू, ख्याल रखें।